तीन ऐसे हथियार जिसे किसी भी वॉर में यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 3 क्लस्टर बॉम्ब। दोस्तों इस बॉम्ब को इस तरह डिजाइन किया गया है कि फटने पर इस बॉम्ब से बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब भी निकलते हैं, मगर इनमें से कई सारे बॉम्ब तुरंत नहीं फटते, जिससे लोगों के बीच इसके कभी भी फटने का डर बना रहता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के समय इसने कई सिविलियंस की जान भी ली थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर रखा है। नंबर 2 नॉन डिटेक्टिव लैंडमाइंस। दोस्तों किसी भी सेना के लिए लैंडमाइंस एक बुरे सपने की तरह होता है। इस बॉम्ब को जमीन में छुपाया जाता है, जिस पर पैर रखते ही एक्टिव हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में एक्सप्लोड होकर ये अपने आसपास के सभी लोगों को मार देते हैं। इस बॉम्ब को ढूंढकर डीएक्टिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। आज पूरी दुनिया में करीब 11 करोड़ लैंडमाइंस एक्टिव है, जो हर साल लाखों लोगों की जान लेते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे भी हमेशा हमेशा के लिए बैन कर रखा है। नंबर 1 बायोलॉजिकल वेपन। माना जाता है कि ये कई बड़े हथियारों के मुकाबले में काफी खतरनाक होता है। इसे आप एक वायरस भी कह सकते हो। किसी भी बायो वेपन अटैक में अगर ये वायरस फैल जाए तो ये कितने लोगों की जान लेगा उसे गिना नहीं जा सकता, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे भी हमेशा हमेशा के लिए बैन कर रखा है। इनमें से आपको सबसे खतरनाक कौन सा लगा कमेंट में बताइए।